गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही कमाल के टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है, इस वीडियो को देखने में आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ऐसी यूजफुल टिप्स सबको पता होनी चाहिए जो सबके पैसों की बचत करेगी। पहला यूजफुल टिप मेरा साबुन के बचे हुए टुकड़ों से है। देखिये, साबुन यूज होने के बाद में अक्सर ना इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। आप इसका कैसे यूज करते हैं, चलिए एक यूज मैं आपको बताती हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपने ना इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़ों को संभाल के रखना है। मेरे पास यहाँ पे ना तीन चार छोटे छोटे टुकड़े हैं। एल्यूमिनियम फॉयल पेपर का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा। अगर आप एल्यूमिनियम फॉयल पेपर नहीं यूज करते हैं तो नॉर्मल जो न्यूज़पेपर है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ना अच्छे से आप इस साबुन को कवर कर दीजिएगा या इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिएगा। अब इस बॉल्स में ना हमें छोटे छोटे छेद करना है। और आज मैं कहूंगी आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहां आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो देखिए, इस तरह की बॉल्स बनाने के बाद ना इसमें छोटे छोटे छेद करना बहुत जरूरी है ताकि इसमें से जो साबुन की गुड स्मेल है वो आती रहे। तो अभी चल रहा है मानसून का मौसम और इस मौसम में ना घर का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां से बैड स्मेल नहीं आएगी। अगर आप वहां पे क्लीनिंग करते हैं उसके बाद भी ना हल्की सी एक सीलन वाली स्मेल आती है, उसमें से एक चीज होती है, ये है हमारे बच्चों के या हमारे जूते। अब देखिए, डेली लाइफ में तो ये यूज होते नहीं है, स्पेशल जो छोटे बच्चे हैं वो भी ना स्कूल जा रहे हैं तो ये जो घर वाले जूते होते हैं इनका यूज नहीं होता है। तो ये मेरा बेटे का जूता है, वो अभी 3 साल का ही है। तो अब ये जूते ना यूज में नहीं आते हैं, दिन भर में एक बार यूज किया तो ठीक, नहीं तो दो दो तीन तीन दिन में भी यूज नहीं आते, जिसकी वजह से ना इसमें रखे रखे ही एक फंगस वाली स्मेल आने लग जाती है। तो जो जूते अभी फिलहाल में आप यूज नहीं कर रहे ना, उन जूतों में और घर के कोने में आप इन बॉल्स को रख सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा एक्सपायरी दवाई से जुड़ा हुआ है। जब हम ठीक हो जाते हैं तो दवाई वगैरह का यूज नहीं करते और काफी सारी दवाइयां हमारे घर में बच जाती है। अब आप क्या इसका यूज करते हैं, चलिए एक यूज मैं आपको बताती हूँ जो आपके इस मानसून के सीजन में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर कुछ टेबलेट है, मैं 2 ही गोलियां ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में इतनी ही जरूरत है। अगर आपकी जरूरत थोड़ी ज्यादा होगी तो आप यहाँ पे टेबलेट की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। आप चाहे तो किसी बॉल वगैरह को लीजिए, नहीं तो मेरे पास तो ये पॉलिथीन है, मैं इसी के ऊपर इस ट्रिक को यूज करके बता रही हूँ। यहाँ पर कुछ भारी सामान आप ले लीजिएगा, उससे ना आपने इसका पाउडर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही टेबलेट है तो मैं तो यहाँ खलबत्ते की जो मसल होती है उसी से इसका पाउडर बना के आपको बता रही हूँ। इस तरीके से फाइन पाउडर बना लीजिएगा। आप चाहे ना तो इस मानसून सीजन में जितनी भी एक्सपायरी दवाई है उनका पाउडर बना के किसी कंटेनर वगैरह में रख सकते हैं और जब चाहे इसका यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ नारियल का तेल। लेना आपने नारियल का तेल या बादाम का ही लेना है, कोई और सा तेल मत लीजिएगा। आप दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, एक पतला सा ना पेस्ट जैसा बना के रेडी करना है। आप ये पेस्ट या जो बोल सकते हैं ये जो हमने रेमेडी बना के रेडी करी है ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी ना खेती में धान लगाया जा रहा है या अभी जो सीजन में जो भी खेती की जाती है उसमें ना बहुत ज्यादा नमी होती है। दिन भर लोग खेत में काम करते हैं, अब वो शाम को जब आते हैं तो आपने देखा होगा उनके हाथ पैरों में ना रेशेज हो जाते हैं, कारण क्योंकि वो दिन भर पानी में रहते हैं। अब इस तरीके से ज्यादा देर जब पानी में रहते हैं तो हाथ पैरों में ना ये जो उंगलियों की जगह होती है इसके बीच में लाल लाल रेशेज हो जाते हैं, स्पेशल पैरों में होते हैं। हमारे यहाँ मालवी भाषा में इसे गारिया कहा जाता है, जो कि गारा यानी मिट्टी की वजह से होता है। तो ये ना अगर टाइम पे आप ध्यान नहीं दोगे ना तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपको ना नॉर्मल के जो आपके डेली के काम है वो करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो जैसे ही आप काम करके बाहर से आ रहे हैं या खेती का जो काम करते हैं आप उसमें से बाहर जब आते हैं शाम के टाइम, तो रात को सोते वक्त ना आप इस रेमेडी को तैयार कीजिए। इस तरीके से हाथ पैरों में लगाना है, पहले हाथ पैरों को ना अच्छे से सुखा लीजिएगा, गीले हाथ पैरों पर मत कीजिएगा, रात भर इसे रहने दीजिएगा। आपको रेशेज वगैरह अगर हो रहे हैं वो मिट जाएंगे और अगर आप डेली ही इस तरीके का काम करते हैं जो स्पेशल खेती वाले लोग हैं उनके लिए ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी। आपके घर में भी इस तरह के बर्तन जरूर होंगे जो कि स्टील के होते हैं, इसकी बाहरी परत ना पीतल की होती है। अब इस तरह के बर्तन को जब हम यूज करते हैं तो ये बर्तन ना जल जाता है, ये लॉन्ग टाइम जब आप इसे यूज करेंगे मान लीजिए 15 दिन 20 दिन, तो इसकी जो बाहर वाली ये परत है पीतल की ये ना काली हो जाती है और जलने की वजह से इसका कलर ना पूरी तरीके से बदल जाता है जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तपेली को तो मैं बहुत लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ इसलिए ना इसमें काफी सारे निशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसका आपको
आपको कलर चेंज करके बताऊंगी या घर बैठे ही इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसे अच्छे से बड़ा क्लीन करके बताऊंगी। तो आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले लीजिए जो भी आप यूज करते हैं, और उसके बाद में हमने लेना है नॉर्मल सा स्क्रबर, और यहाँ पर हमें पानी की बजाय यूज करना है व्हाइट विनेगर, जो कोलगेट और व्हाइट विनेगर होता है। जब ये दोनों चीजें मिक्स होती है एक रिएक्शन होता है जो कि जंग वाली सरफेस को भी क्लीन करता है, पीतल को भी क्लीन करता है, स्टील को भी क्लीन करता है। मैं तीन चीज आपको बता रही हूँ, तीनों पर आप कोलगेट और वेनेगर मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो तीनों ही सरफेस पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने इसे अप्लाई करना है, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से काम करे। इसके बाद में अगेन आपने बिना पानी डाले हुए यानी कि सिर्फ आपने व्हाइट विनेगर यूज करना है और स्क्रबिंग करना है, बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट मिलेगा। यकीन मानिए एक बार तो इसे करके देखिएगा, अगली बार आप महंगे केमिकल या महंगा पीताम्बरी बिल्कुल मार्केट से लाना भूल जाएंगे, घर बैठे आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप इसे एल्यूमिनियम पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको अप्लाई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये ट्रिक आपके लिए काम करती है, क्योंकि इस तरह के बर्तन जब हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं अगेन फिर से इसके ऊपर घुमा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप सेकेंड टाइम इस पे वाइप करेंगे या स्क्रबिंग करेंगे तो जितने भी दाग धब्बे हैं वो बढ़िया से जैसे कोई जादू हो रहा है ऐसे क्लीन हो जाते हैं। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, मुझे सबसे बेस्ट लगती है ये ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे पैसा खर्च नहीं करना होता है, बस घर में जो रखा हुआ सामान है ना उसी का हमने यूज करना है। यहाँ पर स्क्रबर पे सारी गंदगी आ चुकी है, देखने में ऐसा लग रहा होगा शायद ही क्लीन नहीं हुआ है। चलिए मैं एक बाउल में या एक मगे वगैरह में पानी में आपको निकाल के बताती हूँ कि स्क्रबर के ऊपर कितनी ज्यादा गंदगी आई है। तो यहाँ पर मैंने एक पानी का मग्गा लिया है, इस स्क्रबर को मैं इसके अंदर डिप करूंगी। पानी आप देख सकते हैं बढ़िया से क्लीन है। अब इसको जैसे ही हम डालेंगे देखिए कितनी सारी गंदगी इस बर्तन के ऊपर से बाहर आई है। ये नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से बाहर नहीं आती है, क्योंकि इस बर्तन का मैं डेली यूज करती हूँ चावल बनाने के लिए, पर ये जो बर्तन है ये क्लीन होता ही नहीं है, होने का नाम ही नहीं लेता है। तब ना कुछ स्पेशल नुस्खे हमें अपनाने होते हैं, उसके बाद ही ये बर्तन क्लीन होते हैं। अब मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर की पीतल की परत है बढ़िया से अच्छे से चमक गई है। तो इस बर्तन को तो मैं काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ, इसका जो पीतल है वो लगभग लगभग ना नीचे वाले तले से थोड़ा सा घिसने भी लग गया है। आप इस तरीके को अप्लाई कीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा काम की है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस तरह की ट्रिक ना सबको पता होना चाहिए जिससे वो घर बैठे काफी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। आपके घर में पीतल के बर्तन है तो उसे धोने के बाद अक्सर आप सॉफ्ट कपड़े से या कॉटन कपड़े से वाइप करें उसके बाद ही रखें, नहीं तो फिर से इस पे निशान आ जाएंगे। अगला यूजफुल हैक भी मेरा पैकेट नुमा खाने से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के पैकेट में काफी सारा खाना हमारे घर में आता है, अभी चल रहा है रेनी सीजन और हम क्या करते हैं जब पैकेट में से खाना निकालते हैं या इस तरह के नमकीन वगैरह है, बिस्किट वगैरह है, तो हम ना क्या करते हैं कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। जितना हो सके कोशिश कीजिएगा रेनी सीजन में ये गलती करने की कोशिश ना करें, कंटेनर में ट्रांसफर ना करें। अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तब तो कंटेनर में मत ट्रांसफर कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कंटेनर में रखने के बाद ये बहुत जल्दी सीलन पकड़ लेते हैं अगर एयरटाइट ना हो तो। अगर एयरटाइट कंटेनर है तब तो आप आराम से रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर नहीं है तब आप क्या कीजिए, ये जो पॉलिथीन में खाना आया है या बिस्किट है या जो भी इस तरीके से पैकेट में सामान आता है, चिप्स वगैरह हुई, इसको पैकेट में ही रहने दीजिएगा, ठीक है? बस इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर आप क्लोथ क्लिप सैलो टेप लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो मेरे यहाँ डेली ही यूज में आती है तो मैं तो इस पैकेट में से नहीं निकालती हूँ और आज तक मैंने कभी नहीं देखा है कि इसमें सीलन आ चुकी है या किसी वजह से ये पैकेट में जो भी खाना आता है ये खराब हो चुका है। आपके पास अगर कोई खाली कंटेनर ना हो तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा बेकार पड़ी पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। इस तरह की पॉलिथीन आपके घर में भी होगी जो कि अक्सर सामान के साथ आती ही है। पॉलिथीन की जो साइड एजेस है ये आपने कट कर लेना है ताकि इससे जो पॉलिथीन है ना वो बड़ी साइज में हमें मिलती है। मैंने काफी बार कहा है पॉलिथीन को जब आपने यूज करना है तो आप ना इस तरीके से इसको कट कर लीजिए, इससे ना इसकी पूरी फुल साइज आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप गेहूं का दाना ले सकते हैं या कुछ भी छोटा सा पत्थर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे गेहूं का दाना होता है ना उतनी बड़ी साइज का होना चाहिए। तो मेरे पास भी यहाँ पे छोटा सा कोई दाना मुझे मिल गया था, वो मैं यूज कर रही हूँ। तो ये ना हमें पॉलिथीन के बीच में लगाना है। देखिए मैं जैसे दिखा रही हूँ बिल्कुल आप इस तरीके से फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत ही शानदार चीज मिलने वाली है। तो इस तरीके से इसका कॉर्नर हमें पकड़ लेना है या इसका जो सेंटर है वो हमें पकड़ लेना है और सीजर से ना कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ जैसे आपको,
बिल्कुल इसी तरीके से अब अगेन वापस हमने इसे पॉलिथीन के बीच में रखना है। फिर से हमने यहां पर एक कट लगाना है। आप कह सकते हैं कि यहां हमने छोटे छोटे सर्कल कट करना है, ठीक है। ये देखिए दो बार मैंने कट किया, मैं फिर से ये और कर रही हूं यहां पर। इस तरीके से जितनी बार आप इस पॉलिथीन पे करेंगे उतना बड़ा आपको एक आर्टिफिशियल फ्लावर मिल जाएगा। अगर पॉलिथीन का कलर येलो है और हरे कलर का अगर पॉलिथीन है आपको पास, तो और ज्यादा अच्छे तरीके से ये फूल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप हर कलर की पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं, पर जो पॉलिथीन हो ना ये इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। हार्ड पॉलिथीन में कटिंग करने में दिक्कत होगी, और ये पॉलिथीन ना हर किसी के घर में होती है। बस इस तरीके से आप पकड़ बना के रखिएगा अच्छे से, और बस सीजर से ना इस तरीके से आपने कट करते जाना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और पॉलिथीन बची हुई है, मैं थोड़ा सा और कट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये चीज ना हर किसी को पता होनी चाहिए। आप आराम से इस पॉलिथीन का यूज भी कर लेंगे, और अक्सर जब हम इस पॉलिथीन को कचरे में फेंकते हैं तो ये शायद ही वहां किसी के यूज में आएगी। आप कहीं भी देखिए ये पॉलिथीन ना आपको सब दूर कचरे में बिखरे हुए मिल जाएगी। और जब मैं सोचती हूँ कि लोग इस पॉलिथीन को फेंकते ही क्यों होंगे, क्या इसका यूज नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है ये ट्रिक हर किसी को पता भी होनी चाहिए, और ये वीडियो ना आपको शेयर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों से इस पॉलिथीन को फेंका जाता है और ये बाहर किसी के काम में नहीं आती है, जिसे पशु जानवर खाते हैं और अक्सर वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनके बड़े बड़े ऑपरेशन करने होते हैं, जिसके बाद ये पॉलिथीन उनके पेट में से बाहर आती है। बहुत बार तो जीव जानवर अपनी मौत का कारण इन्हीं पॉलिथीन की वजह से बन जाते हैं। तो देखिए, आपने ये पॉलिथीन को इस तरीके से कट कर लेना है। यहाँ पर एक अच्छा मजबूत वाला धागा लेना है और अच्छे से यहाँ पर नोट लगा लेना है। आप फाइनल लुक आप देखेंगे इसका, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि देखिए बेकार से पॉलिथीन से हमने कितना बढ़िया फ्लावर बना लिया है ना, ये कमाल कट रही। चाहे तो आप इसमें छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं, तो इससे नए फ्लावर और बड़ा अच्छा खिला हुआ दिखेगा। इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर आपने मार्केट में देखे होंगे, जो कि देखने में काफी सुंदर लगते हैं, और आपने इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर अगर मार्केट से खरीदे हैं तो आपको पता होगा कितने पैसे में वो आते हैं। पर घर बैठे हुए बेकार से पॉलिथीन से आप इतने सारे फ्लावर बना सकते हैं, और मुझे ट्रिक सच्ची में बहुत ज्यादा पसंद आई है। आप से जरूर यूज कीजिएगा। एक बार आपने बनाना सीख लिया ना, तो यकीन माने आप अपने घर के पॉलिथीन का छोटा सा टुकड़ा भी घर से बाहर बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इस तरीके से फ्री में आप अपने घर को सजा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें अक्सर हम मार्केट से खरीदते ही हैं।